हेलो दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने क्वींसटाउन न्यूजीलैंड के ऊपर एक डिटेल ट्रैवल वीडियो डाला था, जिसमें एक्सपेंसेस छोड़कर मैंने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। और आज के वीडियो में आपको क्वींसटाउन में लगने वाले छोटे बड़े सारे एक्सपेंसेस में डिटेल में बताने वाला हूँ, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरी और यूटिलिटीज हो, या फिर रेंट, चाइल्ड केयर और जिम हो, सब कुछ इस वीडियो में आप देखने और जानने वाले हैं। ट्रस्ट मी, वीडियो में मेंशन प्राइसेस को देखकर आप शॉक डेफिनेटली होने वाले हो। और जब भी फ्यूचर में आप क्वींसटाउन का प्लान बनाओगे तो इस वीडियो को दूसरी बार जरूर देखोगे। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं एवरॉन बीट्स। तो शुरुआत करते हैं रेस्टोरेंट से। अगर आप एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक मील लगभग आपको 1100 रुपीस पर हेड के हिसाब से पड़ेगा। वहीं एक मिडिल रेंज के रेस्टोरेंट में आपका एक मील 2500 से 3000 तक जा सकता है। और इस जगह आप अपने थोड़े पैसे मैकडॉनल्ड के मैक मील की मदद से बचा सकते हैं, क्योंकि ये मील आपको पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 625 रुपीस में। बोला था ना काम का वीडियो है, तो एंड तक जरूर देखना। आधे लीटर से भी कम पानी आपको मिलेगा 143 रुपीस में, और कोल्ड ड्रिंक आपको मिल जाएगी लगभग 180 रुपीस में। बियर की बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि डोमेस्टिक और इंपोर्टेड बियर में से डोमेस्टिक बियर चूज करना दिमाग का सौदा है, क्योंकि इंपोर्टेड ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे आती है। इसका मतलब डोमेस्टिक बियर की आधे लीटर की बॉटल अगर आपको पड़ती है 260 रुपीस की, तो इंपोर्टेड आराम से 500 रुपीस की पड़ जाएगी। तो महंगी बियर में खर्चा करने का सेंस मुझे तो नहीं दिखता, बाकी आपके जेब के ऊपर है, माल है तो उड़ाओ। वैसे बियर और वाइन अगर आप ग्रोसरी स्टोर से लेते हो तो आपको आराम से 30% तक के डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल जाएगी, और पी तो आप क्वींसटाउन में कहीं भी सकते हो। यहां तक कि वाटर बॉटल भी आपको रेस्टोरेंट्स के कंपैरिजन में काफी सस्ती मिल जाएगी। तो यहां से शुरू करते हैं ग्रोसरी आइटम्स की लिस्ट और उनकी प्राइसेस। 1 लीटर मिल्क आपको पड़ता है 120 रुपीस के आसपास। व्हाइट ब्रेड आधा किलो लगभग 135 रुपीस की पड़ जाती है। 1 किलो चावल यानी 1 kg राइस लगभग आपको 150 रुपीस का पड़ता है। 1 अंडा 1 egg लगभग 21 रुपीस का, और 1 किलो चिकन फिलेट्स 570 रुपीस का पड़ता है। फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल 210 रुपए यानी 210 रुपीस किलो, और बनाना 150 रुपीस किलो में अवेलेबल होता है। अगर धुएं का शौक रखते हैं और जल्द धुआं होना चाहते हैं तो लगभग 1900 रुपीस में 20 सिगरेट्स का पैक खरीदकर मौत की तरफ अपना एक कदम और बढ़ा सकते हैं। अगर ग्रोसरी पे इतनी रिसर्च यहाँ कर लेता ना तो मम्मी तो सर पे सोने का मुकुट रख देती सीधा। तो एटलीस्ट आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आना जाना कैसे करना है, मेरा मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कितना एक्सपेंस आ जाता है। तो बात करें अगर टैक्सी की, तो ये तो जब तक एक्सट्रीम कंडीशन ना हो तब तक लेना ही मत, क्योंकि 1 किलोमीटर चलने का ही आप 245 रुपीस दे दोगे, और 1 किलोमीटर बस तो आप जाओगे नहीं। तो क्वींसटाउन में आप या तो रेंटेड बाइसाइकिल यूज कर लो, या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट जो कि काफी बढ़िया है वो यूज कर लो। लोकल ट्रांसपोर्ट आपको वन वे का अराउंड 105 रुपीस का पड़ता है, विच इज क्वाइट डिसेंट। लोकल कॉल्स आपको लगभग 23 रुपीस पर मिनट के हिसाब से पड़ जाएंगे, वो भी प्रीपेड सिम से। इंटरनेट के लिए काम वाईफाई से चला लेना, क्योंकि ज्यादा हीरो बनने पर इंटरनेट के लिए कुछ नहीं तो 4000 यानी कि 4000 रुपीस वेस्ट करने पड़ सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर पे रहेंगे तो कभी जिम के बारे में सोचेंगे नहीं, पर जैसे ही बाहर निकलते हैं उनका फिटनेस का कीड़ा भी दिमाग में चढ़ने लगता है, जो कि एक बहुत कॉमन बिहेवियर है। क्योंकि जब भी आप किसी अच्छी जगह जाते हो तो पॉजिटिविटी आपको हर जगह पे नजर आती है। तो ऐसे लोगों के लिए जिम का मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ता है 4500 रुपीस के आसपास, और डेली चार्जेस वैरी करते हैं 500 से 1000 रुपीस के आसपास। वैसे तो क्वींसटाउन में देखने और करने को बहुत सी चीजें हैं, जिनके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसे ऊपर दी हुई लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। पर फिर भी अगर आप एक मूवी फ्रीक हैं और ऐसी जगह में भी मूवी देखना जरूर चाहते हैं, तो एक टिकट आपको लगभग 750 से 850 के आसपास पड़ेगी। फिर क्या है, पॉपकॉर्न लो और देखो मूवी। कपड़ों की बात करें तो एक लिवाइस की जीन्स आपको लगभग 6000 की पड़ जाती है। ब्रांड वाइज शूज और ड्रेसेस के प्राइसेस ऑलमोस्ट इंडिया से सिमिलर ही है। प्राइसेस तो मैंने बता दी, पर मेरे हिसाब से स्ट्रीट मार्केट आपकी शॉपिंग को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीजों की बात हो रही है तो एक बार मेरी इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना, जिसमें आपको मिलेंगे भर भर के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और साथ ही मिस मत करना मेरा ये वीडियो जो मैंने केदारनाथ धाम पर बनाया है। ट्रस्ट मी, आपको मजा आ जाएगा।